Yes. Definitely, I think. Yes, Kareena is absolutely lovely, and I think she is one of those very graceful and dignified people. I always see her, and I feel that, you know, yaar, matlab ek kalakar ho to aisi ho, wife ho to aisi ho, maa ho to aisi ho. You know, she is the epitome of a perfect woman. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं. लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी. और मेरी जो बायोपिक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट. बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी, बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली. मैम आप ऑलवेज सरप्राइज देती हैं, आप ऑलवेज, अभी आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट कर रही हैं और शादी भी करने वाली. अब ये मैम अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली, और दूसरी शादी की सक्सेस पार्टी कब? आई थिंक दिस इज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई सेड. इनफैक्ट आई वाज आस्क्ड इफ आई एम डेटिंग एंड आई सेड आई एम नॉट डेटिंग, बट यस, इफ यू नो, लाइक बीइंग अ यंग वूमन, डू आई हैव यू नो समबडी इन माय लाइफ? यस, बट हैविंग समबडी एंड डेटिंग एंड मैरिज, ये लोग, ये डिग्रीज है. अच्छा, प्रोग्रेस की. सो लेट्स सी. One of which was also, you know, about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan despite the Uri attacks and everything. However, there were some reports, and you can clarify that even Manikarnika had released in Pakistan despite the Uri attacks, and it continued to screen while the Pulwama attack happened. Yeah, see, what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, which is the digital copy, उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी डीसीपी वापस नहीं लाई. सो द थिंग इज दैट व्हेन यू कैन स्टॉप फ्रॉम फ्यूचर रिलीजेस टू हैपन, बट व्हाट इज इन देयर पोजेशन इफ दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम देम, यू नो. सो इट्स लाइक इट विल बी अगेन द सेम सिचुएशन. Well, definitely, yes, yes. If I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's hardly, it's almost insignificant, isn't it? We've discussed enough about it. Justin, yeah, I think we can move on to next question. She's answered it. That is, well, I think. Well, I think that is. I mean, precisely. The distribution and the trade was going like that. I assume, because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like, it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it, if it, that's all we can do, we should, we must. Ankita. मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए ऐसा था. जब मैंने ये रोल लिया था, मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहती हूँ, आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई, एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आर कंट्री. एंड और मुझे उनको प्ले करना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी. And that's completely my opportunity that I could perform it, and लोगों को इतना पसंद आया. और आई थिंक कंगना हैज डायरेक्टेड फैब, लाइक मेरे जितने सीन्स हुए, आई थिंक कंगना हैज शॉट 70% ऑफ द फिल्म. सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर, एंड शी हैज डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर मोर देन मी. गुड इवनिंग. थैंक यू. देखिए क्या होता है कि हर एक एवरी डे इज़ डिफरेंट. कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है. यू नो, जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं. कई बार आपको लगता है कि नहीं, ये वक्त है, थोड़े से तो मुँह बंद करने चाहिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के, या आप जब जवाब नहीं दे उसको आपकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं. तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाने और कब आपको इग्नोर करना है, यू शुड नो दैट.
यू शुड नो दैट एज अ पर्सन. आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने या उनको समझाने आपका आप कौन है वाकई में और आप क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी. तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे यू नो. बट देन देर इज़ अ टाइम के इनफ इज़ इनफ. दिस इज़ योर बाउंड, यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप व्यक्तिगत तरीके पे ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे कि आपको किसी को डसना नहीं है लेकिन आपको अपना यू नो कहते हैं डराने क्या बोलते हैं वो डराने के लिए यस डराने के लिए वो डरा कर रखना तो दिखाना पड़ता है. कंगना थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको आपको फ्रेटर्निटी से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए, तो जोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वेल आई थिंक इफ अगर अप्रिशिएट करती हैं वो तो आई एम वेरी हैप्पी, तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद उनका. ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे आप हैं अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखे उसके बारे में बोल, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया यू नो और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए सब कुछ, सो आपसे एक्सपेक्टेशन है राइट. तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना. सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, इट इज़ नॉट डन. या तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए मुझे, मेरे हालात पर छोड़ दीजिए. किसी ने हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है. कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है. अभी यही मेरा नेचर है कि यू नो आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है. सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं वो कई चीज़ों से नुकसान हो जाए. सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटिव कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चले जाऊँ और कैसे मैं अपना मतलब हमेशा ही अपना फ़ायदा करके चले जाऊँ. ऐसे इंसानों से दूरी रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए. कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गिर उड़ के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन. पूछिए ऑफकोर्स लगती है आपको. मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 crores करती है तो मेरे लिए इससे मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और मेरी 100 crore कर रही हूँ और कंगना ने डायरेक्ट की, सो इससे बड़ी चीज़. बट आई पर्सनली फील दैट द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज अंकिता हैज़ वर्कड, द काइंड ऑफ सिचुएशन शी हैज़ वर्कड, शी डिजर्व्स अ much bigger and much better debut. That's you, my Kanya. feeling. Thank as you. a director. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था. बिकॉज दैट इज़ हाउ अ रेगुलर सॉन्ग ऑफ दैट नेचर इज शॉर्ट फॉर 10 to 12 days. अंकिता ने वो आधी रात में किया है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी वर इन, शी डिड नॉट हैव इवन टाइम टू डू अ सेकेंड टेक. तो आप सोच सकते हैं हमने किस सिचुएशंस में फिल्म शूट की है. शी डिड नॉट, वी डिड नॉट इवन हैड द टाइम टू इवन कर्ल हर हेयर. सो कहने का मतलब है आई फील शी डिजर्व टू बी यू नो लिट मोर ब्यूटीफुली एंड शी डिजर्व्स अ बेटर डेब्यू. बट एनी वे देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हर. जी ऑफकोर्स, अब इतनी बड़ी फिल्म हुई है, सक्सेस हुई है, तो पार्टी तो बनती है ना, तो वो तो होना ही था ऑफकोर्स. तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्के में बताया था कि होगा, पर ये होना ही था. आई थिंक कंगना में एक दूसरे का आई थिंक डेफिनेटली, बट अंकिता शुड डू लीड रोल्स. थैंक यू कंगना, शी शुड डेफिनेटली
do and Kangna is my godmother. I have declared that anyway. I have been saying this to Kangna also. Phone karke, Kangna, you're my godmother. I don't have any godfather, but I have a godmother. So definitely she's my godmother now. इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 0% चांसेस भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी. आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट. हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें. दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज. एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन. हु वट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट डू यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस्क. ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ. देखो इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार रूल में होती है उसके गुणगान गाए जाते हैं. पहले 7 साल में एनडीए यूपीए था तो उसके गुणगान गाती थी. अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. देखिए थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट आपको लगता है? Well, In a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government. But if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. Mm-hmm. And, talking about me, I think I have had a very, wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती हैं, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं. हम कौन हैं? सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ. दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड. एंड ऑल्सो वेल देखिए हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आके हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ धमाल टू में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास. तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स ख़त्म हो रही है, ग्रीन कवर ख़त्म हो रहा है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है?
जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, आपको आप सो कैसे जाते हैं और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए। और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक, हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट एंड देन यू मेक दिस पीपल योर रोल मॉडल्स, हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सी आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती है एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन, यू नो हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते। सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर। सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स, शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो इट। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू। मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से, और आई थिंक ही डिज़र्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है जब यू नो मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट that he is so devalued as a you know as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude aap logo ke sabke behalf se ke we are absolutely grateful.